नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि वृक्ष को काटे जाने के बाद भी वृक्ष दोबारे से पनपने लगता है, उसमें दोबारे से फूल पत्तियां आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? और आपने कभी देखा होगा, धरती माता कहीं तो उपजाऊ होती है, कहीं पर बंजर होती है, कहीं पर समतल होती है, कहीं पर उबड़ खाबड़ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा, रिश्तों को महामारी आती है, और वो क्यों नहीं आती, क्या रीज़न है? इसके बारे में स्कंद पुराण ने बताया है कि ऐसा होने के पीछे क्या उद्देश्य था और ऐसा क्यों हुआ। स्कंद पुराण ने बताया है कि देवराज इंद्र ने ब्राह्मण की हत्या की थी, उस ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए उसके पाप को कई भागों में बांटा गया था। इसमें स्कंद पुराण ने बताया है कि गुरु की अवहेलना के बिना भी अपना राज्य छोड़कर इंद्र को जाना पड़ा था, क्योंकि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति देवता का नाराज कर दिया था और उनका अपमान किया था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। लेकिन किसी और की प्रेरणा की वजह से इंद्र ने अपना राजशासन उनको मिल गया था कुछ समय के लिए। कहते हैं कि गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया था। उस समय विश्वरूपी जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूपी जी के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को तृप्त करते थे। यह बात शचीपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूपी जी देवताओं का भाग उस स्वर से बोलकर देते थे, देवताओं को चुपचाप बिना बोले ही देते थे। आहुति जो देते यज्ञ के अंदर उसकी बात कर रहे इस टाइम, और मनुष्य को मध्यम स्वर से मंत्र बोलकर भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया, तब उन्होंने छिपे छिपे जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। वह दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं, हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यूं समझ के इंद्र ने 100 पर्व वाले वर्ज से विश्वरूप के मस्तक काट डाले, यानी अपने पुरोहित की मस्तक काट डाले। व्रज के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, इसलिए इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए थे। पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी तथा गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिन्होंने बहुत सारे थे पाप कर रखे हो और जिसकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी हो, उन्हें भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय लगा और वह वहां से भाग चले, क्योंकि इंद्र ने ब्राह्मण की हत्या की थी, तब ब्रह्म हत्या आकर उसको इंद्र को निगलने लगी और इंद्र भाग चले। उन्हें भागते देखकर भय दायनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते भागते थे, तब वह पीछे पीछे दौड़ती थी और उनके खड़े होकर होने पर खड़ी हो जाती थी। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती थी। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इंद्र ने बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा लिया, मानो वह चिरकाल से जल में निवास करने वाले कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र ने 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्ग लोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोग विपत्ति ग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भर होकर निवास करता है, वहां साधु पुरुषों के काल मृत्यु होती है। इसलिए जिस राज्य में पापात्मा राजवान निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। देवताओं, दानों और विशेषतः मनुष्य के सुख दुख का कारण कर्म ही होता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। इंद्र ने बड़ा ही घृणित कार्य किया था। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ साथ विश्वरूप का भी वध कर डाला था। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी भोग किया था। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य
उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते। उनको वह पाप थोड़ा हो या अधिक हो, उससे एक दिन भी वह पीड़ित होते हैं। यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया था। ऊपर पातक तक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापात के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सुबह शाम दोपहर सदा सर्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है, वह उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए दुराचार परायण इंद्र को भी इस पाप कर्म का ही फल मिला था। उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति देव गुरु के पास गए और उनको अपना सब मनोगत विचार प्रकट किया। उन्होंने सुनिश्चित होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति जी से कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना राजा के कभी भी राज्य नहीं चलता, और राजा ही अगर दुष्ट आत्मा हो तब क्या करना चाहिए। तब बृहस्पति जी ने कहा कि अब हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। देवताओं, पवित्र आत्माओं, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा। मन ही मन इन सब बातों को सोचकर, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी गुरु देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए बैठे थे, जिसके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्मत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसू की धारा बह चली। उन्होंने अपने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को तथा आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रतापूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वदन होकर अपने किए हुए ज्ञान सूचक महाकुकर्मों पर मन ही मन भली भांति विचार करके बोले, प्रभु इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति देव ने हंसकर कहा, इंद्र पहले तुमने जो कुछ किया था उस कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया था। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा, लेकिन धर्मशास्त्रकारों ने ब्रह्मत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा। लेकिन तुमने तो ब्राह्मण की हत्या कर दी, ब्रह्मत्या कर दी, तो उसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। उनकी दृष्टि में ब्रह्मत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजाने में जो पाप हो जाता है उसके निवारण का उपाय धर्मशास्त्र के विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई भी उपाय नहीं है। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा से या अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया जाता है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणानंत प्रायश्चित का विधान है, यानी मरने के समान ही प्रायश्चित है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है अनजाने में तो किया नहीं है, तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया है तुमने, अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस पांजल के अंदर ही स्थिर भाव में पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया था जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रति क्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव इसमें संदेह नहीं है, मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है, अतः आप इन देवर्षियों के साथ शीघ्र ही अमरावती पूर्व को पधारो और देवता तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत होते हैं उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्मत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान हूँ। इंद्र को अपना गलती का एहसास हुआ था। इंद्र के यूं कहने पर बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावती पूर्व में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वे सब सची के सामने होकर उन्हें यथार्थ रूप से कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
इसी समय अमित तेजस्वी देवर्षि नारद इच्छा अनुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे। देवता द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण आप लोग अनमने होकर कैसे हो रहे हो? उनकी पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें क्या सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं इंद्र के सारे चरित्र मैंने पहले ही तुमसे सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई है। आप सब देवता तो सर्वज्ञ है, तपस्या और पराक्रम से संपन्न है, अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना ले। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, क्योंकि राजसर्वज्ञ के सिंहासन पे जो बैठता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने पड़ते हैं। सब देवता और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वह सब नहुष की सेवा करने लगे। इस समय उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब सर्वलोक के अधिपति हो गए, तब उन्हें महान कमलानंद संतप्त करने लगा कि राजा नहुष ने पूछा, देवता क्या कारण है? अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है, उन्हें शीघ्र बुलाओ। इंद्र की पत्नी को राजा नहुष ने बुलाया कि मैं अब स्वर्ग का राजा हूँ, इंद्र के समान हूँ, तो अपनी की इंद्र की जो पत्नी है उसको बुलाओ। नहुष की बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने सची के भवन में गए और बोले, कल्याणी इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के लिए विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहां उपस्थित नहीं हुई। सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है, आप स्वयं ही तत्व विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं प्राइड स्त्री हूँ, यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य ना हो ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आए, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। राजा नहुष की जो नजर थी इंद्र की पत्नी इंद्राणी पे यानी सच्ची के ऊपर पड़ गई थी और वो कह रहे थे कि उनको बुलाओ मेरे पास, तब मैं ये सिंहासन संभालूंगा। तब उसको समझ में आया इंद्राणी को कि कैसा दुर्बुद्धि वाला है, किसे प्राइवेसी पर नजर डाल रहा है। तो उन्होंने एक कहा बृहस्पति जी से कि जो वाहन बनाने योग्य ना हो ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आए, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी देव शीघ्रतापूर्वक लौट गए और काम से वासना से पीड़ित नहुष से सची देव की कही सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। नहुष काम वासना से मोहित हो रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, यूं कहकर सची देव की शर्तें स्वीकार कर ली। फिर अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन ना बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदनंतर उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूंगा, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर सर्प से नीचे गिर पड़े। वह ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लभ्य शाप से त्रिग योनि में ही पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई वैसी ही उनकी जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमत पाकर पागल उठते हैं उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमत से अंधे दुराचारी कामी तथा विश्वों से रचे पचे रहने वाले हैं वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि यही लोक अब परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर भी कभी प्रमाद में ना पड़े, सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। इसमें जो बताया गया है कि राजा नहुष को
इंद्र का सिंहासन मिला, लेकिन वो अपनी काम वासना से पीड़ित होकर इंद्र की पत्नी पे अपने काम वासना के द्वारा उसको बुलाना चाहा, और लेकिन इंद्र की पत्नी ने कहा जो प्राइड स्त्री में नजर डालता है वो इंसान अच्छा नहीं होता, वो राजा बनने योग्य नहीं होता। राजा नहुष ने पालकी में कहार बनाकर ब्राह्मणों को लगा दिया और बोले शीघ्र चलो और उनका अपमान करने लगे। तो जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं उनका श्राप बहुत ही भयानक होता है, अगर कोई इनकी अवहेलना करता है, उनका अपमान करता है, तो वह ऐसा श्राप देते हैं कि अच्छे से अच्छा इंसान भी, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी उसने तपस्या कर रखी हो, कितने भी यज्ञ कर रखे हो, वो श्राप तो उनको भुगतना ही पड़ता है। और राजा नहुष ने राजा बनने का इतना बड़ा पद उसको मिला था और उसका दुरुपयोग किया था, और उसके श्राप ब्राह्मणों के श्राप से वो अजगर बन के गिर गया। इसलिए कहते हैं कि जब भी तुम्हें बहुत, तुम्हें अगर नाम सम्मान मिलता है, नेम फेम मिलता है, तो उस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसी का अपमान मत करो, नहीं तो आपको डाउनफॉल आएगा और आप ऊंचाई से हमेशा नीचे गिर जाओगे, और आप जो सेलिब्रिटी बन के घूम रहे होते हो अचानक आपका डाउनफॉल आने के बाद कोई आपको पूछेगा भी नहीं। इसलिए अगर भगवान आपको कुछ देता है, छप्पड़ फाड़ के भी देता है, कुछ भी मिलता है, हमेशा उसका शुक्राना करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मित होकर कहने लगे, ओहो इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए ना तो मृत्युलोक में स्थान रहा ना स्वर्ग लोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसके इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराए तथा मनुष्य चिंतित हो गए कि अब क्या करें। तब सचिव देव ने धर्म और अर्थयुक्त वाणी में कहा, गुरुदेव, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता ना करो, तुम सब लोगों को वहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी ने देवताओं के साथ ब्रह्महत्या से पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा पाप किया है, ब्रह्महत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए जल में निवास करता हूँ। उसकी बात सुनकर देवता विचलित हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिसे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था, इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए तैयार है। देवता ने जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी तब ब्रह्मदत्त भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति ने सहसा उसको उत्तर दिया, ब्रह्मदत्त, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान यत करेंगे। कार्य की गुणवत्ता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्मत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्मत्या को चार भागों में बांटा। सबसे पहले देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्मत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी यानी धरती माता कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप कलंक के अंश में डूब कर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम सर्वथा निष्पाप रहोगी। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे उस समय उनके चरणों के स्पर्श से ब्रह्महत्या का आंशिक पाप भी खत्म हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। उनके युग कहने पर पृथ्वी ने तब उनके आज्ञा का पालन किया और ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण कर लिया। इसके बाद देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करो। तब वृक्षों ने कहा, वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्महत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्महत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति देव गुरु ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में बटने के बाद भी शाखा और डाली में सब दोबारे से संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे।
बृहस्पति जी के इस अप्रकार आश्वासन देने पर वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्मत्या को आपस में बांट लिया। इसलिए वृक्ष को काटे जाने के बाद भी वो दोबारे पनपने लगती है, दोबारे से उस पर शाखा और डालियां आने लगती है। इसके बाद देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देवकारी सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्मत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्र हो बृहस्पति देव से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क संबंध से दूर रहते हैं। हमारे द्वारा स्नान सोच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पाप क्रांत अपराणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मत्या से अभिभूत होकर हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। उसकी बात सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, तुम दुष्टर पाप से भय मत करो, मैं वरदान देता हूँ चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करेंगे। उनके यूं कहने पर जल ने ब्रह्मत्या का तीसरा अंश ग्रहण कर लिया। यानी अगर पानी अगर पवित्र भी हो जाए लेकिन उसमें कोई नहाता है तो पानी को शुद्धि माना जाएगा, कभी भी पानी अपवित्र नहीं माना जाएगा। इसके बाद बृहस्पति देव ने रिश्तों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी सब कार्य सिद्धि के लिए ब्रह्मत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देवगुरु का वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवान संपूर्ण स्त्रियां धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई है। यदि नारी पाप उपचार करेगी तो उस पाप से अनेक पक्ष पिता नाना पति के कुल लिप्त होते हैं, ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर स्वयं विचार कर लो कि हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के यूं कहने पर बृहस्पति देव ने वरदान दिया, देवियों तुम सब इस पाप से भय मत करो, तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्मत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा और इस ब्रह्मत्या के अंश को स्वीकार करती हो तो तुम ही इस जगत में नए जीव को जन्म दोगी। इस तुम्हारे अलावा कोई भी सृष्टि के अंदर ऐसा नहीं होगा जो किसी नए जीव को जन्म दे सके। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्मत्या के चार भाग किए और अंश और वह अंश तत्काल ही चारों में बट गए। इस उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। तब देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में सची सहित इंद्र का दोबारा से अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं महानुभाव मुनीश्वर तथा सिद्धि गुणों के साथ पूर्ण लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्र लोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। इस प्रकार आपने देखा कि इंद्र की द्वारा किए हुए ब्रह्मत्या के अंश को चार भागों में बांट दिया गया। धन्यवाद।